देश में जैसे ही विधि आयोग ने अलग अलग तबकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी, वैसे ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और बहस छिड़ गई। आज श्वेत पत्र में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर एक पहलू पर नजर डालेंगे, जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे और साथ ही अलग अलग पक्ष जो सोच रहे हैं, जो विचार अपने सामने रख रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। जो कॉमन सिविल कोड है वो संकल्प, समान सोच और समावेशी समाज के इसको सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प। करंट राइट टाइम अभी नाइदर डिजायरेबल है ना ये रिक्वायर्ड है कि यूसीसी पे कोई चर्चा भी की जाए। और यूसीसी जो मामला है अभी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो तत्काल लागू होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं, किसी भी सूरत पर हम इसको जैक्सन सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना तो अच्छी बात है, इसको किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। हम उसको धर्म से जोड़कर हम देश के साथ न्याय करेंगे। इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड न मुफीद है और न इसकी जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे, उन्होंने आर्टिकल 44 में बोला कि जो सिटीजन है उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिजाइन होना चाहिए। भारत का जो विविधता है उसको अगर एक सूत्र में पिरोने का अगर काम करेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा। क्या देश में समान नागरिक संहिता आने वाली है? क्या विधि आयोग की सबसे ताजा कार्रवाई इस बात का संकेत है? क्या देश में इस बात को लेकर आम राय बन पाएगी? और क्या वाकई 2024 से पहले यूसीसी लागू होगा? कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? हाँ, टाइम के हिसाब से सही है, जो कानून सरकार लागू कर दिया सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। आई थिंक इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि ये पहले भी लॉ के लिए पहले भी आया था लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। आई थिंक दिस टाइम वी शुड सपोर्ट दिस थिंग। तो अभी के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें सेम चीज पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लोग्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, एज हम देख सकते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट रिलीजन एक्सेप्ट करता है लोग हर जगह। मेरी राय यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है वो अच्छी बात है, एक नॉर्मेलिटी बनेगी, सबका कॉमन रहेगा, बट सबका डिफरेंट जो रिचुअल्स है उनको वो फॉलो करना भी देना चाहिए, क्योंकि वो मान्यता है हमारे में पुरखों की जो चलते आ रही है, तो उसको आप ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, तो वो दोनों को बैलेंस्ड वे में मीन्स रूल्स बनने चाहिए। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से एक महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ नेसेसिटी, वो जल्दी आना चाहिए, तो हम कोशिश करें कि हम एक ड्राफ्ट ऐसा बनाएं जो सबको ठीक लगे। यूसीसी को लेकर हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी राय, पर आजादी के बाद 7 दशक बीत जाने के उपरांत भी पूर्ण बहुमत की सरकारों से लेकर गठबंधन की सरकारों के बाद फिर से पूर्ण बहुमत की सरकारों के क्रम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बिजली के नंगे तार जैसा बना रहा। अब हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है, और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। श्वेत पत्र में आज हम जानेंगे कि 2024 के आम चुनावों से पहले यूसीसी का मुद्दा उठना क्या केवल एक चुनावी चाल है, या बीजेपी इस वादे को लेकर गंभीर है। यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलेगा देश में? यूसीसी लागू हुआ तो क्या असर पड़ेगा राजनीति पर?
यूसीसी का असर अलग अलग समुदायों पर क्या पड़ेगा? समान नागरिक कानून की संवेदनाओं पर देश की नब्ज टटोलेंगे आज, देश की जनता का मत जानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है इतिहास भूगोल ये बताएंगे, देश के लिए क्या है यूसीसी के मायने, इस पर देश के सामने सबसे विश्वसनीय श्वेत पत्र रखेंगे।